देखिए कश्मीर क्राउन, और मेरे साथ आज मौजूद हैं डीडीसी काउंसिल बरशीगढ़ में नायक रामसू ए ब्लॉक से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। हाल ही में एक पहाड़ी और जो गुजर एरियाज, गुजर कम्युनिटी का जो स्टेटस था, उस हवाले से भी अगर आप बात करेंगे और पॉलिटिकल सिनेरियो भी जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 की 8 रजिस्ट्रेशन नए जो पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में ने जब से आर्टिकल 37 हटा, और इससे जानने की कोशिश करेंगे क्या आप कहना चाहोगे जो जो आप स्टेटस की अगर बात करेंगे पहाड़ी और गुजर। सबसे पहले तो मैं आपके कश्मीर क्रोन चैनल का खैर मकदम करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम, कीमती टाइम निकाल कर मेरे को मीडिया के ज़रिए जम्मू कश्मीर के लोगों तक और हुकूमत तक बात पहुँचाने की जसारत की, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मुदस्सर मलिक साहब और हमारे उमर नाइक साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये मैं जो अभी जम्मू कश्मीर में जो पिछले 30 या 35 सालों से ये पहाड़ी और गुजरों की जो स्टेटस की बात चल रही है, उसमें रियासत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, पहाड़ी उसको कहा जाता है जो सड़क पानी और बिजली से आज तक 47 से लेकर आज तक महरूम है, उसको पहाड़ी कहा जाता है जो आज भी पैदल चलता है और भेड़ बकरियों का पालन करता है और उसी पर गुजारा करता है। मेरी गुजारिश रहेगी अगर होम मिनिस्टर इंडिया यहाँ आ रहा है तो वो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ज़िला, जो तीन ज़िला जम्मू कश्मीर के पसमंदा और पहाड़ी और हिली डेवलपमेंट काउंसिल की भी शेख अब्दुर्रहमान साहब अपनी जदोजहद मुसलसल 40 साल चला आ रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अगर ये मौजूदा सरकार, एलजी सरकार या मरकजी सरकार इसको इनिशिएटिव लेता है, मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे हैं, उन्हें किश्तवाड़ बैठे या डोडा बैठे या रामबन बैठे, मेरी यह गुजारिश रहेगी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। अगर आप कहोगे, कोई भी कहेगा कि भाई डोडा, किश्तवाड़, रामबन के डीडीसी और भी है, चेयरपर्सन भी हैं, लेकिन मुझे पता है कि सरकार को, अगर मैं भी एक इलाके में रहता हूं जो 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे से दूर है, मैं भी एक पहाड़ी हूं और प्लस एक घाटी का बेटा हूं, हम माल मवेशी भेड़ बकरियां पालकर अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये स्टेटस रजौरी, पुंछ, बारामूला, कपवारा अदर डिस्ट्रिक्टों को दिया जा रहा है, मेरी खसूसी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जो हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनका वेलकम करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर के ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो मिलिटेंसी रिलेटेड भी नुकसान हुआ है इन लोगों का, और हमारे आधे से ज़्यादा मकान जले हैं, बच्चे ख़त्म हो गए हैं, परिवारों का परिवार उड़ गया है, तो ये पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा मिलिटेंसी के दौर का। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, यही उम्मीद रखूँगा कि आज अगर आप आए तो बाहर लेकर इन तीन ज़िलों में भी आओ, जैसे वाडवान, मड़वा, दक्षिण, पार्डर, अठौली, जो कश्मीर का बॉर्डर मिलता है, अठौली के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, अठौली वो पहाड़ है जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, और मेरी एक हंसराज की पहाड़ी इस जानब है, इस जानब में हमारा टंडल टॉप है, उस जानब हमारा डोडा की पहाड़ी मिलती है। लिहाजा मेरी गुजारिश यही रहेगी, बड़ा लीडर बोले, छोटा बोले, बीजेपी वाला बोले, पीडीपी वाला बोले, आम आदमी बोले, कोई भी बोले, मैं एक डीडीसी मेंबर हूँ ज़िला रामबन का, रामसू ए का, मेरी गुजारिश रहेगी, क्योंकि अगर आप कुछ बांटते हो, अगर आपको ये शक्ति है अल्लाह ने दी है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्टों को भी, और आपके इस चैनल की वसादत से आपको गुजारिश ये करूँगा कि एसटी इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में 33% और 32% लोग हैं। अगर यह नेशनल हाईवे बनता है या बना है हरि सिंह के दौर पर, गुलाब सिंह के दौर में, तो हम लोग चलते हैं, लेकिन ऊपर पहाड़ियां दिखा दो मेहरबानी करके, इन पहाड़ियों पर आज भी हम पैदल चलते हैं, ये नील और चकनाड़ों की पहाड़ी दिखा दो कैमरामैन सर, यही हैं, और जंगल छोटा छोटा है, इनमें आज भी हम माल मवेशी के साथ होते हैं और पैदल चलते हैं। लिहाजा अगर आपने इस पर कर्म करना है, आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 7 ऐसे नई पार्टियां रजिस्ट्रेशन हुई हैं
तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टियां ही बनाई तो बेरोजगारों की बात कब की, लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी पार्टियां तो बनाई बड़ी लास्ट स्टेज पे। अगर जवानी में कोई आता है तो हर सफर आसान होता है, अगर ढलती हुई उम्र में, उम्र ही है कितनी आज, अगर रोटेशन में उम्र का बताएंगे तो फिर वो 30-35 साल से ऊपर किसी की नहीं है, लेकिन अब 50-60-70 साल के बाद भी कहेंगे हमें वो 22 साल की जवानी दे दो, वो ताकत दे दो, पहाड़ियों पर चढ़ेंगे, लोगों के घर में वोट मांगने जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी जो हुक्मरान जम्मू कश्मीर में थे, हैं या आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी 370 पे बात नहीं की, 35A पर बात नहीं की, बेरोजगार बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात नहीं की, बढ़ती हुई महंगाई पर बात नहीं की, गैस सिलेंडर पर बात नहीं की, आटा चावल तेल डीजल गैस पर बात नहीं की और करप्शन पर बात नहीं की। अब हम कैसे वोट दें, किसको दें, कोई भी वोट का हकदार नहीं है। एक जम्मू कश्मीर को इन्होंने यर्गमाल बना के रखा है। मैं गुजारिश करूँगा इन लीडरों को, 50 और 70 साल में अगर आपने किया तो अपनी कोठियां बनाई, यूपी के अंदर बाग बनाया, पंजाब के अंदर बाग बनाया, मुस्लिम नॉन मुस्लिम तुम्हारे पास नहीं है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई लीडरों के पास नहीं है, लेकिन लीडर की भाषण खून खराबा करती है। आप देखिए फारूक साहब की बात, आप देखिए आज़ाद साहब की बात, रिश्ते तो दे देते हैं, रिश्ते तो ले लेते हैं, लेकिन हमको कहते हैं वो ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन आज मीडिया जो चौथी आंख है हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की, दफ़ा 370 की बात करनी चाहिए थी, ये राजाओं की स्टेट थी। मैं मुबारक देता हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को। लोग कहते हैं चौकीदार, मैं नहीं कहूँगा, वो प्राइम मिनिस्टर है 1.5 अरब लोगों का, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी आप अपने आप को चौकीदार ना कहिए, होम मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर सर से मेरी ये गुजारिश है, आपने तो हरीश सिंह जी की छुट्टी तो सेंक्शन कर दी, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने कुछ किया, मेरा भी सलाम है आपको, लेकिन उसका स्टेटस, दुल्हन अकेले नहीं बैठती है, दुल्हन को दाज चाहिए। जनाब अगर आपने हरीश सिंह को छुट्टी मंजूर कर दी, मुबारक हो, पिछले लोगों ने नहीं किया, लेकिन 35A है उसका, उसका भाई हमारे स्टेटस जमीन मालकान का हकूक भी दे दो, हमें स्टेट सब्जेक्ट दे दो, जिसकी पहचान थी रियासत जम्मू कश्मीर मुल्क में, हम मुल्क की हैसियत रखते थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर था। आजाद साहब ने तो बोला था हमें स्टेटस जॉब वगैरह स्टेटहुड सारा वापस आएगा, और 370 आर्टिकल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में है उसकी अभी जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए आज़ाद साहब की बात बार बार क्यों करते हो, आज़ाद साहब उस परिवार में पला पोसा, उस परिवार में रहा, मैंने सुना है आज़ाद साहब को राजीव गांधी के साथ इंदिरा गांधी अपने बराबर के बेटे के मानद रखा है, जब ही हारते के हारने के बाद भी पगड़ियां लगाते गए। लेकिन बदनसीबी है रियासत जम्मू कश्मीर की, जो भी लीडर हम जिसको भी चुनते हैं वो मोदी की गोद में, इतना प्यारा गोद है, आज के दौर में मोदी जी का कोई भी बाहर नहीं रहना चाहता है, आज़ाद साहब भी उसी गोद में चल पड़े। अगर उसने पार्टी बनाई परसों, मुबारक है उसकी पार्टी और सिमिल को, लेकिन उसके साथ साथ एक बात खड़ी होती है कि उसके अंदर आपने जम्मू कश्मीर का 370 और 35A का रेजोल्यूशन का बयान क्यों नहीं दिया, जो रेजोल्यूशन महाराजा हरीश सिंह ने अंग्रेजों से ली है, अंग्रेजों से वो रेजोल्यूशन ली है, जम्मू कश्मीर की जमीन, जम्मू कश्मीर की नौकरी, जम्मू कश्मीर का पहाड़, जम्मू कश्मीर ने दीजिए पूरी मुझे। अगर हरीश सिंह की छुट्टी कर दी आपने, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन उसका 370 वापस दो, उसका 35A वापस दो, उसके बेरोजगारों को आप बिहार से ला रहे हो, चपरासी बनाते हो यहाँ, उसकी बात कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में इन्हीं लोगों की हुकूमतों में 15 से 18 लाख बेरोजगार बच्चे हैं, PhD है, MA है, BEd है, MSc है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर जी कहता है पकोड़े तलो, तो ये दूसरे फारूक साहब भी कहे, आज़ाद साहब भी कहे पकोड़े तलो, अपने बच्चे तो इनके करोड़पति अरबपति हैं, इंडस्ट्रीज जैसे अंबानी अडानी के साथ मिले हैं, तो लिहाजा इन बच्चों की, इन पहाड़ू बच्चों को, इन शहरी बच्चों को, इन बेरोजगारों को करेगा कौन डिसिप्लिन में थोड़ी डालेंगे? मेरा एक बच्चा MA BEd है, मैं मजदूरी करता था दिल्ली के अंदर, ऐसे ही मेरे गरीब लोगों ने बच्चे पढ़ाए हैं, ज़मीन बेची है, इनकी बात तो करते नहीं हो, इलेक्शन में आपको वोट देगा कौन? और 70-75 साल आपने वोट लिए हमसे, हमें दिया क्या? आज भी मेरा नील पोगल पर साल खड़ी मामगत तगाम सेनापति पैदल चलते हैं,
और अपनी माल मवेशी, आज भी हमें कोई गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। अगर ये सरकार करती है, ये स्टेटस देती है हमें, एसटी स्टेटस देती है, हम मानते हैं कि इसने काम करके दिखाया। जैसे हरि सिंह की छुट्टी दी, हरि सिंह को आप 370 दे दो और चपरासी जम्मू कश्मीर लखनपुर में, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक यहाँ के बच्चों को रोजगार दे दो। कंपनियां हजारों हैं, लेकिन नागर सिंह बाहर के लोगों को लगा रहा है। कोई इंसाफ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। इसमें आजाद साहब को कोई नजर नहीं आ रहा, फारूक साहब को कोई नजर नहीं आ रहा, महबूब मुफ्ती को नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन तक तो ये कहते हैं हम बीजेपी से बायकॉट करेंगे, जब इलेक्शन हो जाता है तो बीजेपी के गोद में जाते हैं। यही एक पॉलिसी आज भी आ रही है, जो आजाद साहब ने हमको छोड़ा, मुल्क को छोड़ा, रियासत को छोड़ा। आज अगर ये पार्टी बनाई, 75 साल की उम्र में क्या पार्टी, उसको तो हमने ताज फिर से देना था। सोनिया गांधी बाहर थी, राहुल गांधी ने देश जोड़ो यात्रा की और वो यहाँ से खिसक गए। कोई बात नहीं, हम लोगों के ऊपर ये सवाल डाल देते, लोगों ने खुद फैसला करना है। पहले हम कहते बीजेपी नहीं है, जब इलेक्शन हो जाता है, अलायंस करने की जरूरत पड़ती है, तो अब तो सारे हमारे जम्मू कश्मीर, चाहे महबूबा मुफ्ती है, चाहे आजाद साहब है, चाहे उमर साहब है, चाहे फारूक साहब है, उनको उसी गोद में घुस जाते, हमको धोखा देते हैं, अवाम को धोखा देते। लिहाजा इनको मैं कह रहा हूं कि हमने वोट दिए हैं, ये कर्जा कब्र के अंदर चुकाएंगे। 3 पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने आजाद साहब के कहने पर वोट दिया। और मेरे मीडिया और मेरे लोग आज कहते हैं आजाद साहब मत कहो, गुलाम नबी भट्ट कहो, गुलाम नबी बट को, असली कास्ट उनकी बट है। लिहाजा आजाद फैमिली में था, इज्जत थी और ताज था, और हारता ही था तो ताज मिल जाता था। ये अपने ताज के लिए घूम रहे, जनता का काम कौन करेगा, सड़क का मैकडम की कौन बात करेगा, महंगाई की गैस सिलेंडर 1400 रुपए में, इनकी बात कौन करेगा। मैं मीडिया की वसादत से, इनकी दुकानें बंद हो गई है, कब तक ये गोद में घुसेंगे, एक आध तो पकड़ना होता है। इनकी करोड़ों अरबों रुपये की प्रॉपर्टी जा रही थी, शिप बंद हो जाते, पंजाब का बाग बंद हो जाता, दिल्ली की कोठियां बंद हो जाएंगे, हमको सब मालूम है। मैं 20 साल दिल्ली में रहा हूँ, सुपरवाइजर मैं जानता हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश यही रहेगी, रियासत की आवाम को ये धोखा देते, जैसे महबूबा का इलेक्शन था, मुफ्ती सईद का इलेक्शन था, कहा बीजेपी का वोट हम नहीं, बीजेपी को वोट हम कभी नहीं देंगे, ना अलायंस करेंगे। जब इलेक्शन हो गया, सीधा उसके गोद में। लिहाजा इनके गोद अब खाली रहेंगे। मेरी तो यही तवक्का थी, हमको इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में थे जब हम 18 में गए, वरना हमने मौलवी रशीद मरहूम को ही वोट दिया, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वो एक पहाड़ी था, शेर ईमानदार था, उसको न जम्मू में कोठी, न श्रीनगर में कोठी, बाकी तो अरबपति हैं। डालो हाथ, मोदी भी किसी को हाथ नहीं डालेगा, लेकिन अब दबाव है, आ जाओ मेरी पार्टी में, तुमको अरबों रुपया किया है चोरी, तो वो तो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम, गाय भैंस का वो माल था, वो घास था, वो खल थी, वो हमारा क्या है, इन्होंने सरकार से थोड़ी लिया। थैंक यू सर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS, specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.